नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, हमारे देश में सबसे सस्ती अगर कोई चीज़ है तो वो है किसी गरीब की जान। इससे सस्ती चीज़ आप पूरा देश घूम लीजिए, आपको नहीं मिलने वाला है। नागपुर के कोंढाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार गांव में इकोनॉमिक सोलर एक्सप्लोजिव कंपनी है, जिसके मालक है सत्यनारायण नुवाल। सत्यनारायण नुवाल के बारे में बताया जाता है कि ये वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द विदर्भ। अब सोचिए, जो रिचेस्ट पर्सन है, सबसे अमीर व्यक्ति है, उसकी कंपनी जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावा भी कई देशों में ये एक्सप्लोजिव जो बॉम वगैरह जो चीज़ें होती हैं, जो बारूद की जो चीज़ें होती हैं जिसे विस्फोट के लिए बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है नागपुर का कि आए दिन, यानी कि पिछले 2 महीने पहले ही अभी अभी एक नवयुवक की जान गई थी इसी ब्लास्ट में, उसमें भी इस बात को दबा दिया गया। उसके बाद अभी अभी पिछले रविवार को ही लगभग 9 लोगों की जान इसमें गई है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आंकड़े सच है? आज हम आपको किसी नेता की बाइट नहीं सुनाने वाले हैं कि उसने, उस नेता ने क्या कहा, फलाने नेता ने क्या कहा। हम आपको अगर सुनाएंगे तो किसी मजदूर की बात सुनाएंगे, क्योंकि एसी में बैठकर बात करने वाले लोग कभी भी मजदूर के हित के बारे में बात तो कर सकते हैं लेकिन उसकी समस्याओं को कभी भी नहीं समझ सकते। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो कोई पॉलिटिशियन, कंपनी का एम्प्लॉय, कंपनी का अधिकारी, कंपनी का मालक नहीं बोलेगा, वो एक गरीब सामान्य मजदूर बोलता है जो वहाँ काम करता है। सवेरे 8 बजे आशा हुआ, 8 बजे से यहाँ पे पब्लिक है लेकिन किसी को जाने नहीं दिया अंदर। 9-10 बजे यहाँ पे पुलिस आ गई, पुलिस आने के बाद पब्लिक पूरी इधर रुक गई है, लेकिन जो उनकी जो माइती है अभी तक किसी को मिली नहीं है। अंदर जाने के बाद भी स्पॉट पे अभी तक कोई नहीं गया है, स्पॉट से नहीं कुछ तो 300 मीटर दूर से या सब जो भी गए वहाँ से 300 मीटर दूर से ही देख के आ रहे हैं, कोई नज़दीक नहीं जा रहा, क्योंकि उनका कहना है कि और स्पॉट हो सकता है, उसके कारण कोई नहीं जा रहा। और हादसे में कितने लोग गए अभी किसी को नहीं मालूम, सिर्फ जो अपनी हाजिरी लिस्ट रहती है, हाजिरी लिस्ट देख के इन्होंने अपने को बताया कितने लोग ये प्लांट में है और ये प्लांट से वापस नहीं है। अभी वहाँ पे 13 लोग है कि 20 लोग है, ये किसी को मालूम नहीं कितने लोग मर गए, ये सिर्फ अभी इन्होंने बताया। दोस्तों, 1984 में भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड करके गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें बताया जाता है कि लगभग 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। अगर आप नागपुर की तुलना करें तो हर महीने, 2 महीने, 4 महीने में कुछ न कुछ लोगों की जो जान हमेशा जा रही है, बस फर्क इतना है कि यूनियन कार्बाइड कंपनी में 1 साथ लोगों की जान चली गई थी और यहाँ धीरे धीरे एक एक करके मतलब टुकड़ों में जान जा रही है। और ये जान कब तक जाएगी पता नहीं, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, कोई कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि बताया जाता है कि बड़े बड़े सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं, उनको क्योंकि यहाँ से सामान निर्यात होता है देश विदेश में। तो क्या मतलब रिचेस्ट पर्सन बनने के पीछे गरीब मजदूरों की जान को सीढ़ी बना करके रिचेस्ट पर्सन हम बनते हैं? तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में शोभा भी नहीं देती है। आप होंगे रिचेस्ट पर्सन, कोई भी हो, मैं सिर्फ सत्यनारायण नुवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी जहाँ पे गरीब इस तरीके से, वो भी आए दिन, अरे आपसे गलती कितने दिन हो सकती है, 1 दिन, 2 दिन, 1 बार 2 बार, लेकिन बार बार अगर कोई चीज़ हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था प्रणाली में एक बड़ा सेंध लग चुका है, या फिर आप ठीक से मजदूरों को ट्रेनिंग नहीं देते। जब ब्लास्ट हुआ तो कई लीडर आए सामने खुलकर, ये करेंगे वो करेंगे, इतने पैसे दो परिवार के एक व्यक्ति को वहाँ पे नौकरी दो। भाई, परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी क्यों देगा? जो व्यक्ति वहाँ पे मरा है, जो उसकी सैलरी होनी चाहिए और आने वाले समय के हिसाब से होनी चाहिए, वो सैलरी बिना नौकरी के उस परिवार को देना चाहिए। क्या आप ये चाहते हैं कि उसकी जगह पर फिर से किसी और को काम लगाए और फिर से उसके मरने का इंतज़ार किया जाए? ये कतई, इस फैसले पे एक सोचने की ज़रूरत है। कंपनसेशन दे करके ठीक है, एक सरकार ने दे दिया, कंपनी ने दे दिया, लेकिन ये कब तक कंपनसेशन का ये नाटक चलता रहेगा? आखिर किसी की जान की कीमत, ये कंपनसेशन कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं आए दिन ना हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सत्यनारायण नुवाल इस पर क्या कर रहे हैं? 2 दिन नेता लोग बोलते हैं और 2 दिन के बाद सारे नेता चुप हो गए। चुप होने का कारण, मैं बोलूँगा तो पता नहीं कौन सा बवाल हो जाएगा, लेकिन देखने वाले समझ सकते हैं कि आखिर नेता और जो भी लोग माननीय गण बोल रहे थे कि गरीबों के हित में, वो चुप क्यों हो गए?
क्या फिर से एक अगला ब्लास्ट होगा, फिर से कुछ मजदूर, कुछ लोग अपने माँ बहन भाई पति पत्नी को खोएंगे, और उसके बाद फिर से कुछ चीज़ें होंगी और फिर से दो दिन किया जाएगा, और कुछ ऐसी बातें होंगी असामाजिक तत्व जिसके बाद सारे नेता फिर चुप हो जाएंगे। बड़ी पीड़ा होती है जब हम लोग इस तरीके की न्यूज़ कवर करते हैं, तो क्योंकि एक गरीब की जो भावना है ना, वो वही समझ सकता है जो सही में गरीबी से निकला होगा। दोस्तों, बताया जाता है कि ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि जहाँ पे ब्लास्ट हुआ उस शरीर के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे, और 300 मीटर के दूरी से लोग उसे देख रहे थे, पास में नहीं जा रहे थे डर के मारे कि कहीं फिर से ना ब्लास्ट हो जाए। और ऐसे टाइम पे तो मैं बोलता हूँ सत्यनारायण नुवाल जो कंपनी का मालिक है उसको वहाँ भेजना चाहिए खुद, कि वो गिने कितने टुकड़े उसके कंपनी में मजदूरों के हुए हैं। जिम्मेदारी 10 लोगों की है बोलते, मेरे को अभी मालूम हो गया, लेकिन वहाँ पे 35 लोग काम कर रहे हैं, यानी डबल से काम कर रहे हैं ये, यानी यहाँ पे ऐसा प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, यानी मनमानी चल रही है कंपनी की, कुछ ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है लोगों का कि यहाँ पे 10 लोगों का प्लांट है तो 10 लोगों ने उससे भी ज्यादा काम कर रहे हैं। दोस्तों, मजदूर ने बातों बातों में एक बड़ा खुलासा भी किया। वो खुलासा ये कि मैं अपने शब्दों में अगर कहूं तो सत्यनारायण नुवाल इतने तेज हैं, उनके काम करने वाले कारीगर मैनेजमेंट इतने होशियार हैं कि नागपुर के यानी कि स्थानीय लोगों को काफ़ी कम रखते हैं। जो आउट ऑफ नागपुर हैं, आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ स्टेट हैं, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रखते हैं। कम पैसे में गरीब काम करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे टारगेट दिया जाता है, जो चीज़ों को करने में अगर 10-12 घंटे लगे उसे टारगेट दिया जाता है, अब इसे 8 घंटे में काम को कंप्लीट करो। भाई, अगर कोई बारूद पे बैठ के अपने टारगेट पे ध्यान दे तो सीधी सीधी बात है कि आज नहीं कल वो जान गवा देगा, और वही इस कंपनी में किया जाता है। इसके पहले भी ऐसे हादसे हो गए हैं, ये जो लोकल एरिया को इन लेते नहीं है, क्योंकि लोकल एरिया की पब्लिक यहाँ पे चढ़ जाती है, उसके वजह से लेते नहीं, बाहर के लेते हैं, बिहार के लोग यहाँ पे लेते हैं। ऊपर से 10,000 से इनको पेमेंट देता है, 10,000 में करना पड़ता है, और टारगेट देती है कंपनी, ये आदमी से काम नहीं भी होगा तो इसको 8 घंटे में उतना काम करना ही है, अगर परिस्थिति नहीं भी रहेंगी तो 8 घंटे में उसको उतना टारगेट करके ही देना पड़ा। टारगेट के टारगेट का जो ज्यादा प्रमाण है हादसे की वजह से बढ़ गया है, ये टारगेट से टारगेट का जो प्रेशराइज कर रही है कंपनी, मैनेजमेंट प्रेशराइज कर रही है वर्करों को, 8 घंटे का काम उनके 8 घंटे के अंदर होने वाला काम इनको 10 घंटे के होने वाला काम इनके हाथ से ले रहे हैं, इसके वजह से ये अपघात ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट ये कंपनी में हर साल हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस देश में सबसे जो सस्ती चीज है वो किसी गरीब की जान है। गरीब पैदा होना ये गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना ये सबसे बड़ा जुर्म है और सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि जो गरीब मरता है उसके साथ न्याय कभी नहीं होता है। एक अमीर मर जाएगा, उसके पीछे शायद न्याय के लिए गुहार लगाए भी जे, लेकिन अगर कोई गरीब मरेगा तो अपने आप में वो पाप है, क्योंकि उसको न्याय मिलेगा ये संभवतः 99% ये इम्पॉसिबल है। खैर, इस संबंधित हमारी नज़र बनी हुई है, ये हमने तो सिर्फ एक छोटा सा एपिसोड अभी बताया है, इस संबंधित अभी कई एपिसोड हम आप तक लेकर आएंगे। और सत्यनारायण नुवाल की ये एक्सप्लोजिव जो फैक्ट्री है, इसको हम लोग एक्सप्लोज करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ NBCN न्यूज़ पे, सच दिखाए बिना छुपाए। जय हिंद।